ये मूवमेंट सही को सही और गलत को गलत कहने की मूवमेंट है, जो FTII के स्ट्रगल से शुरू हुआ है और टॉलरेंस इनटॉलरेंस के डिबेट के साथ ये ऑक्यूपाई UGC तक आया। उसके बाद हैदराबाद का इशू हुआ, फिर JNU का हुआ है। मुझे लगता है यह जो सरकार हम लोगों ने गलती से चुन लिया है, वो सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, इस सरकार के खात्मे तक ये आंदोलन रहेगा किसी न किसी फॉर्म में। हम दोनों की अलग अलग राजनीति है, लेकिन हम दोनों इस बात से सहमत हैं कि इस देश में BJP की सरकार नहीं होनी चाहिए। मैं एक संगठन का सदस्य हूँ, संगठन का अपना डिसिप्लिन है, साथ ही साथ मैं यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ, तो उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो डिसाइड होगा उसको निश्चित तौर पे करेंगे। CPI एक बात है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एक बात है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन क्या कहता है, मैं उसके आधार पर चीज़ों को डिसाइड करूँगा।